नमस्कार दोस्तों, सेंटर फॉर पाइल्स एंड फिशुला से एनोरेक्टल स्पेशलिस्ट मैं डॉक्टर रुचि गुप्ता। मैं डॉक्टर राकेश गुप्ता। आज हम बात करेंगे गुदा मार्ग में होने वाले एक रोग जिसे बदंदर या फिशुला इन एनो भी कहा जाता है। यह गुदा मार्ग के एरिया में होने वाली एक बीमारी है जिसमें मरीज को उसके आसपास के एरिया में एक स्वेलिंग हो जाती है जिसमें कभी कभी पेन या पस का रिसाव भी मरीज को महसूस होता है। जनरली इसको पेशेंट एक सामान्य एब्सेस या फोड़ा समझकर कुछ एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स ले लेता है जिससे कुछ समय के लिए आराम भी मिल जाता है, लेकिन कुछ समय बाद इसमें फिर से पस पड़ जाती है, फिर से वही पेन और स्वेलिंग जैसे लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। यह फिशुला का ही एक लक्षण है। सो बेसिकली फिशुला इज अ क्रॉनिक पस डिस्चार्जिंग साइनस अकरिंग इन द विसिनिटी ऑफ द एनल कैनाल, मतलब कि गुदा मार्ग और उसके आसपास के एरिया में होने वाला एक साइनस या ट्रैक ही फिशुला है जिसमें पस बनती है जो कभी कभी शौच मार्ग से या फिर उसके आसपास के एरिया से भी बाहर निकलती है। अब हम बात करेंगे इसके इलाज के बारे में। फिशुला के दोस्तों, मैं आपको फिशुला के ट्रीटमेंट के बारे में बताना चाहूंगा। फिशुला जिसको बदंदर कहते हैं, इसका जो चिकित्सा है आयुर्वेदिक दवाई, होम्योपैथिक दवाई, एलोपैथिक दवाई, किसी भी तरीके से दवा के माध्यम से इसका पूर्णतया इलाज नहीं हो सकता। इसके इलाज के दो तरीके हैं। नंबर वन, कुछ लोग एलोपैथिक सर्जरी करा लेते हैं जाकर। नंबर दो, आयुर्वेदिक गुगुल शास्त्र थेरेपी। सर्जरी के माध्यम से जब इसका ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें रिकरेंस चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। पेशेंट ऑपरेशन करा लेता है, उसके एक महीने, दो महीने, एक साल बाद फिर दोबारा उसकी प्रॉब्लम खड़ी जाती है। जबकि हम जब इस आयुर्वेदिक गुगुल शास्त्र थेरेपी के माध्यम से इसकी ट्रीटमेंट करते हैं, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सक्सेसफुल ट्रीटमेंट फॉर द फिशुला एनो ट्रीटमेंट। बेसिकली इसका कारण इसमें रिकरेंस चांसेज इज वेरी मच, वेरी मिनिमम इन केस ऑफ आयुर्वेदिक गुगुल शास्त्र ट्रीटमेंट। इस थेरेपी के माध्यम से जब ट्रीटमेंट किया जाता है तो उसमें हम नेचुरल टिश्यूज को, नेचुरल जो अबंडेंस ऑफ फैट इन द पेरिनल एरिया जो होता है उसको हम बचाते हैं, ना कि उसको काटते हैं। एज़ पर एलोपैथी से दैट इज व्हाई रिकरेंस चांसेस आर वेरी मिनिमम इन केस ऑफ आयुर्वेदिक गुगुल शास्त्र थेरेपी ट्रीटमेंट। प्लस में साथ में इसके साथ हम आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी चलाते हैं। 99% इसमें सक्सेसफुल रिजल्ट्स होते हैं और उसके बाद हम चाहते हैं। और कुछ लोगों में भ्रांति होती है इस ट्रीटमेंट के बारे में कि ये पेनफुल होता है, ये उसको ऐसा कुछ नहीं होता, कोई ब्लीडिंग नहीं होती, कोई ब्लैडमिट होने की आवश्यकता नहीं होती इसमें, और आप सेकेंड डे, थर्ड डे से अपने आप काम भी हो जाते हैं। बस इसमें आपको वन से निकली सेंटर में विजिट करना होता है, बहुत जल्दी किसी भी तरह की कोई पेनफुल थेरेपी नहीं। सो इसी के साथ मैं इस टॉपिक को समाप्त करता हूँ। यदि आप में से कोई भी फिशुला या बदंदर नाम के रोग से पीड़ित हैं तो आप हमारे सेंटर पर विजिट करके इस चिकित्सा का लाभ उठा सकते हैं या फिर लाइब्रेरी के माध्यम से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।